अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं और आज ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा मैंने ली हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों को, इंडियन लोग हैं तो इंडियन ज़्यादा पसंद आता है हम लोगों को, एग सूप है, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस है, नूडल्स है, और मुझे मोस्टली वेजिटेबल ही ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने वेजिटेबल लिया है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा, अब मैं टेस्ट करती हूँ उसको। उसके बाद में यहाँ पे ये स्पेशल मेरे लिए मैंने बनवाई हूँ, चीज़ विथ एग और उसके साथ सम वेजिटेबल्स मिक्स करके, एंड इसी के साथ में अगेन इंडियन नाश्ता इडली वड़ा एंड सांभर। और इसके साथ में ये सारी वो लोग पहले ही मेरा टेबल अरेंज करते हैं, नट्स हो, फ्रूट्स हो, जूस हो। हमने इनमें लिया है कैपेचिनो और इसी के साथ मल्टीग्रेन ब्रेड एंड हनी ब्रेड, और समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे स्मॉल वाला, वो भी मुझे टेस्ट करना है। और इसी के साथ बहुत अलग अलग सॉल्टेड विदाउट सॉल्टेड बटर। और सबसे इतना सारा ब्रेकफास्ट होने के बाद भी सबसे पहले तो मैं लूँगी चाय, मसाला चाय, जो इंडियन लोगों की एकदम मनपसंद चीज़ होती है। तो आ जाइए मेरे साथ में नाश्ते के लिए, इसके बाद में आपको लंच में मिलती हूँ। फरारी वाले में अरेंज किया गया है यास आइलैंड की तरफ से, और अब लंच में मैं क्या लेने वाली हूँ अब तक डिसाइड नहीं हुआ, जिसे आप एक झलक देख सकते हो। बहुत सारा वैरायटीज है, अब तक तो मैंने डिसाइड नहीं की, अब डिसाइड करूँगी मेनू देख के, आपको तो पता चल ही जाएगा मैं क्या खाने वाला। चलिए हम लोग अभी आ चुके हैं ना लंच करने, और आपको पता है कि आज हमारा लंच है फरारी वर्ल्ड में। तो अभी फर्स्ट आया है हमारा सैल्मन सैलेड, एंड स्पेशली ये मेरे लिए पिज़्ज़ा उन्होंने शेफ स्पेशल और उन्होंने मुझे पूछा, क्योंकि वो इंडियन है तो बोले आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करोगे। मैंने बोला मैं स्पाइसी वैसे भी नहीं खाती हूँ, तो थोड़ा बहुत स्पाइसी उन्होंने चिरका है, मतलब इंडियन टेस्ट देने के लिए। थैंक यू। ये स्पेशल हमारे मेन्यू में नहीं था, ये स्पेशली उन्होंने पास्ता बना के भेजे, और मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा टेस्ट करूँ फिर आपको भी बताऊँ। ओह उसका शेप तो देखिए, ओह माशाल्लाह, सच में बहुत। फ्रेंच फ्राइज तो हमारी फेवरेट होती है सबकी, बच्चों से बड़ों से, तो उन्होंने बोला एनीथिंग एल्स, तो मैंने बोला फ्रेंच फ्राइज, और हमारी फ्रेंच फ्राइज। और इसके बाद अपनी सालमन आ रही है, हाँ, जिसे आप टेबल पे देख ही सकते हो कि ये हमारी आई है जो ये पांचवी डिश है, और ये सैल्मन फिश है यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो मैश पोटैटो, और इसके ऊपर जो ग्रीन वाला है ये इसको ये है पालक, मतलब टोटली हेल्दी। सिक्स नंबर वाला है, और ये देखा उन्होंने, ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा ऑमलेट, बट ऑमलेट नहीं है, ये चिकन है। और हम लोग जैसे इंडिया में क्या बोलते हैं, क्या बनाया किसी ने कोई अगर हमको पूछा आज क्या बनाया घर पे, चिकन आलू का सालन। तो ये चिकन आलू का सालन ये है, चिकन एंड आलू, और उसके अगेन उसके साथ में है पालक। और यहाँ पे हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, मतलब हेल्थ को ध्यान रख के जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो माशाल्लाह बहुत सारी टेबल मेरी सारी हेल्दी एंड टेस्टी टेबल भरी हुई है मेरी, आप देख सकते हो पूरा। चलिए आज शाम की कॉफ़ी भी यहीं हो चुकी है, तो माशाल्लाह कॉफ़ी भी हम यहीं पी रहे हैं। और स्पेशल मामा रसेला रेस्टोरेंट की ये जो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल स्वीट बनाई है, बिकॉज मैं पूछ रही थी कि स्वीट में क्या है, तो आइसक्रीम वगैरह मेरा नहीं दिल चाह रहा था, और कुनाफा आपको पता है यहाँ की बहुत फेवरेट है, पर पता नहीं उन्होंने अपने तरफ से कुछ स्पेशल मेरे लिए बनाई है, थैंक यू सो मच। और कॉफ़ी के लिए तो स्पेशली थैंक्स। तो यहाँ पर शाम की कॉफ़ी भी मेरी यहीं हो चुकी है, और इंशाल्लाह देखते हैं डिनर कहाँ होता है। चलिए डिनर टाइम, और डिनर आज हमारा मूड नहीं था करने का, फिर भी डिनर के लिए चलो कुछ थोड़ा सा स्नैक्स ले लिए। और रोज आपको थोड़ी सी अलग व्यू दिख रही होगी, थोड़ा सा अलग होटल दिख रहा होगा, बिकॉज अब हम वहां थे यास आइलैंड में, और ये दुबई है, दुबई हम पहुंच चुके हैं, और दुबई में आने के साथ ही शायद हमारी भूख बंद हो गई है, तो भी हमने लाए पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज है, चिकन है, फिश है। तो चलिए ये थोड़ा सा हम लोग, मैं और मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा तो मेरा सो गया, बहुत थक गया है वो, तो फिलहाल आज का डिनर यही समझ लीजिए। और कल से हम लोग यहाँ दुबई में, स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा मुझे पसंद है यहाँ के, और यहाँ पे केरला के बहुत सारे आइटम्स मिलती है, जो स्पेशली लच्छा पराठा हो या फिर घी राइस हो, तो मैं तो सोच रही हूँ कि यही सब मैं खाऊंगी। अगर अमीन अली कुछ और बोले तो ठीक है,
मेरा दिल वही सब खाने का, अगर वो सब खाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए तो आज का डिनर यही है, पिज्जा एंड जंक फूड, जंक फूड ही बोल सकते हैं आज का। तो इसके साथ में आप भी इंजॉय कीजिए, हमको भी इंजॉय करने दीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं। तो बस यही दिल की बात थी, आप लोगों से खाने का डिस्कस था। तो आप भी इंजॉय कीजिए, हमें भी इंजॉय करने दीजिए, एंड अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।